यार जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, सर जो तेरा चकराए। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूँ आपके साथ अभिषेक गुप्ता और रेडियो मनी नाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब समय हो चला है हमारे वीकली पॉडकास्ट सर जो तेरा चकराए का। शौर्य को तो आप जानते ही होंगे, वही शौर्य जिसका हमने प्रॉपर्टी वाला के एक पॉडकास्ट में जिक्र किया था। उस समय वो रियल एस्टेट की खबरों में दिलचस्पी ले रहे थे। शौर्य वैसे तो अर्थशास्त्र के स्टूडेंट हैं, लेकिन सभी तरह की खबरें वो पढ़ते हैं। रोज की तरह वो आज भी अखबार पढ़ रहे थे, तभी उनकी नजर गोल्ड इंपोर्ट की एक खबर पर पड़ी। खबर की हेडलाइन थी, गोल्ड इंपोर्ट का टूटा रिकॉर्ड। इसमें बताया गया कि अक्टूबर के दौरान देश में सोने का इंपोर्ट का 31 महीने पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। अक्टूबर के दौरान देश में 123 टन सोने का आयात हुआ है। पिछले साल की तुलना की जाए तो अक्टूबर 2022 के मुकाबले इस साल इंपोर्ट में करीब 60% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल अक्टूबर के दौरान देश में 77 टन सोने का आयात हुआ था। शौर्य ने अर्थशास्त्र प्राइस डिमांड का नियम पढ़ा है। वो जानते हैं कि अगर किसी चीज की कीमतें ज्यादा हैं तो उसकी डिमांड घटती है। शौर्य ने हाल ही में पढ़ा था कि घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में नई रिकॉर्ड ऊंचाई को भी छुआ है और MCX पर सोने का भाव 61,914 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपरी स्तर तक गया है। ऐसे में शौर्य का सिर चकरा गया और वो सोच में पड़ गए कि महंगे सोने के बाद भी इसका आयात क्यों बढ़ रहा है। तो अगर आपका सिर भी शौर्य की तरह चकरा रहा है तो जानिए इसकी वजह। ये आयात त्योहारी तैयारी के लिए भी हुआ था। इस साल अक्टूबर और नवंबर के दौरान त्योहारी सीजन रहा, जिस वक्त सोना खरीदना शुभ माना जाता है। साथ ही देश भर में शादियों का सीजन भी 23 नवंबर से शुरू हो रहा है। इस वजह से ज्वेलरी के लिए गोल्ड और सिल्वर की मांग में बढ़ोतरी की संभावना थी और इसी संभावना को देखते हुए ज्वेलर्स ने अक्टूबर के दौरान सोने और चांदी का आयात बढ़ाया है। नवंबर में जेवरातों की खरीदारी होगी तो उसे बनाने में भी समय लगेगा, इसलिए शादी की खरीदारी के लिए भी बाहर से सोना अक्टूबर में ही मंगवा लिया गया। दूसरी वजह है केंद्रीय बैंक। वैश्विक अनिश्चितता और महंगाई के चलते सोने की ग्लोबल डिमांड बढ़ गई है। केंद्रीय बैंकों ने 9 महीने में 800 टन सोना खरीदा है। वहीं 6 अक्टूबर को RBI के वीकली स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट के अनुसार 29 सितंबर तक भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 586.9 अरब डॉलर था, जिसमें से सोने का मूल्य 43.7 अरब डॉलर या कुल भंडार का 7.44% था। इन सभी वजहों से सोने की मांग बढ़ रही है और सोना बड़ी मात्रा में आयात हुआ है। तो आज के इस वीकली पॉडकास्ट सर जो तेरा चकराए में फिलहाल बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारी सहयोगी आंचल चौधरी ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉरपोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी नाइन और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी नाइन ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूँ आपके साथ अभिषेक गुप्ता, अभी लेता हूँ विदा, धन्यवाद। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, सर जो तेरा चकराए।